गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से समथिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वैन एवर यू स्टार्ट द रीड दिस लेसन प्लीज टेक अ पेंसिल इन योर हैंड बिकॉज इट वुड बी अ रियली क्रूशियल फॉर अस. वैन एवर वी रीड दिस लेसन वी विल अंडरलाइन सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस एंड टू ईजी टू अंडरस्टैंड दिस लेसन. ओके, लेट वी स्टार्ट दिस लेसन फ्रॉम द लेसन नेम द लिटिल रेड हैन. इसका मतलब है कि इस लेसन में किसके बारे में बताया गया है, द लिटिल रेड हैन के बारे में बताया गया है. तो अपने यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेंगे. वन डे द लिटिल रेड हैन फॉर्म्ड ए ग्रेन ऑफ वीट इन अ फील्ड. फॉर्म्ड मीन्स क्या होता है, मिलना. पेंसिल से इसे अंडरलाइन करना है और ऊपर राइट करना है. फॉर्म्ड मीन्स होता है मिलना. अ ग्रेन ऑफ वीट, वीट होता है गेहूँ. वीट मीन्स क्या होता है, गेहूँ. इन अ फील्ड, फील्ड होता है एक हरा भरा मैदान जिसमें पूरी तरह ग्रीन लैंड बोल सकते हैं जिसको अपने. एक दिन क्या है, लिटिल रेड हैन को एक बीज मिल जाता है. ग्रेन होता है बीज. दिन क्या होता है, एक बीज मिल जाता है किसका, वीट का. इन अ फील्ड, एक हरे भरे मैदान में. शी फेल्ट, फेल्ट मीन्स होता है महसूस होना. फेल्ट मीन्स क्या होता है, महसूस होना. शी फेल्ट वेरी हैप्पी, वो क्या बहुत खुश हो गई थी. शी कॉल्ड हर फ्रेंड्स, उसने अपने सभी फ्रेंड्स को बुलाया और क्या कहा, लुक देखो, व्हाट आई फाउंड, मुझे क्या मिला है. तो उनके फ्रेंड्स ने उसे क्या आंसर दिया, वाओ अ ग्रेन ऑफ वीट, क्या तुम्हें एक बीज मिला है वो भी गेहूं का. द लिटिल रेड हैन आस्क्ड हर फ्रेंड्स अगेन. तो लिटिल रेड हैन ने अपने सारे फ्रेंड्स से अगेन होता है दोबारा, दोबारा पूछा. आस्क मीन्स पूछना, अगेन दोबारा. नाउ टेल मी हु विल प्लांट इट, कि अब मुझे तुम बताओ कि ये प्लांट, इसे कौन उगाएगा. प्लांट होता है उगाना, अब इसे कौन उगाएगा. नो वी कांट, वी आर टायर्ड. उसके सभी फ्रेंड्स उसे क्या आंसर देते हैं, हम नहीं उगा सकते, वी आर टायर्ड. टायर्ड मीन्स होता है थके होना, हम सभी थक चुके हैं. थके होना या थक चुके, हम सभी थक चुके हैं. ओके, अब अपने क्या है, इसका नेक्स्ट पेज रीड करेंगे. नेक्स्ट पेज पे रीड करेंगे. ओके, आई विल डू इट माई सेल्फ. तो रेड हैन थी, उसने क्या कहा कि ये वर्क मैं खुद ही कर लूँगी अपने आप. हे फ्रेंड्स, इज़ द ग्रेन राइट टू कट, क्या आपकी जो ग्रेन थी, जब क्या आपका जो बीज था वो काटने के लिए तैयार हो चुका है, क्या आपने उसे रोप जो भी था उसमें उगा दिया. आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, द लिटिल रेड हैन वॉज हैप्पी टू सी द राइप ग्रेन. जो लिटिल रेड हैन थी वो बहुत ही खुश हो चुकी थी, खुश थी क्योंकि उसका जो ग्रेन था उसे उसने उगा दिया था. इट वॉज रेडी टू टेक टू द मिल, इट वॉज रेडी टू टेक टू द मिल, वो क्या है, अब पूरी तरह तैयार हो चुकी थी कहाँ ले जाने के लिए. मिल होता है फैक्ट्री, फैक्ट्री में ले जाने के लिए. द लिटिल रेड हैन आस्क्ड हर फ्रेंड्स, उसने जो लिटिल रेड हैन थी उसने अपने सभी फ्रेंड्स से पूछा, यस द ग्रेन इज रेडी, हु विल टेक द राइप ग्रेन टू द मिल, कि अब जो वो ग्रेन है, वो बीज है, वो पूरी तरह तैयार हो चुका है, लेकिन अब कौन तैयार है इसे वहाँ मिल तक ले जाने के लिए. बोथ द सिक्रिल एंड द डक, जो डक और सिक्रिल उसकी फ्रेंड्स थी, डाइन टू द वर्क. डाइन होता है असहमत, वो बिल्कुल सहमत नहीं हुई उस वर्क को करने के लिए. देवर वेरी लेजी, वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा लेजी थी. लेजी क्या होती हैं, आलसी. लेजी क्या होता है, आलसी. वो दोनों ही बहुत ज़्यादा आलसी थी. ओके, आई विल डू इट माई सेल्फ, लिटिल रेड हैन ने क्या कहा कि मैं ये वर्क खुद ही कर लूँगी. नेक्स्ट अपने रीड करते हैं. द लिटिल रेड हैन केम बैक होम विद द वीट फ्लोर. जब फ्लोर होता है आटा, फ्लोर होता है आटा. जो लिटिल रेड हैन थी वो क्या है, वापस आई और उसने क्या किया, उसके साथ क्या था, फ्लोर, वीट फ्लोर था उसके पास, गेहूं का आटा था. शी अगेन आस्क्ड हर फ्रेंड्स हु वुड बेक द ब्रेड बट नो वन एग्रीड. उसने दोबारा, अगेन मतलब दोबारा फिर पूछा अपनी सभी फ्रेंड से, अब इस आटे को या इस फ्लोर को कौन लेके जा, बेक होता है पकाने के लिए, क्या पकाने के लिए या बनाने के लिए, ब्रेड, ब्रेड बनाने के लिए इसे कौन लेके जाएगा. बट नो वन एग्रीड, पर उससे कोई भी सहमत नहीं हुआ. अगेन शी हर सेल्फ प्रिपेयर द ब्रेड. उसने क्या है, दोबारा अपने आप बनवा लिए थे, क्या ब्रेड बनवा लिए थे. प्रिपेयर होता है बनाना या उसे तैयार करना. प्रिपेयर मीन्स क्या होता है, तैयार करना या बनाना. उसने क्या है, अपने आप ही उस वीट फ्लोर से क्या है, प्रिपेयर करवा लिए थे ब्रेड. व्हेन द ब्रेड वॉज रेडी द लिटिल रेड हैन, जब
ब्रेड थे वो रेडी हो चुके थे, तैयार हो चुके थे. द लिटिल रेड हैन आस्क्ड द स्क्विरल एंड द डक. जो लिटिल रेड हैन थी उसने किससे पूछा, स्क्विरल और डक से पूछा, हु वुड ईट द ब्रेड. अब ब्रेड कौन खाएगा. बोथ ऑफ देम केम रनिंग टू ईट द ब्रेड. केम होता है आना, रनिंग मीन्स दौड़ते हुए. जो उसकी फ्रेंड्स थी डक और स्क्विरल वो क्या है, दौड़ते हुए उस ब्रेड को खाने के लिए आई. बट द लिटिल रेड हैन रिफ्यूज्ड. उसने क्या है, मना कर दिया. रिफ्यूज्ड होता है मना करना. रिफ्यूज्ड क्या होता है, मना करना. देम टू गिव द ब्रेड. जब वो लिटिल रेड हैन ने क्या है, मना कर दिया कि तब अब तुम इस ब्रेड को नहीं खा सकती. एंड स्टार्टेड ईटिंग इट विद हर चिकन्स. उसने क्या है, उन ब्रेड्स को खाना स्टार्ट कर दिया अपने चिकन्स के साथ. चिकन्स होते हैं जो चूजे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं जो हैन के चूजे, उनको क्या बोलते हैं, चिकन्स बोलते हैं. ओके, तो वो उनको क्या है, खाना स्टार्ट कर देती है. ओके.